देखो इधर, नॉर्मल टू इम्फैटिक सबसे पहले इंग्लिश में शुरू हो रहा है ग्रामर में, नॉर्मल टू इम्फैटिक। नॉर्मल टू इम्फैटिक इसका हिंदी में अर्थ होता है जोरदार वाक्य से साधारण वाक्य, चाहे साधारण वाक्य से जोरदार वाक्य, हिंदी हो गया इसका। अब इसमें है मेकिंग रूल्स, बनाने का नियम, कैसे बनाते हैं। मेकिंग रूल्स में नंबर वन पर ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर वाक्य हो प्रेजेंट इंडिफिनिट, देख लो पहले टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आई We, you, they, या प्लूरल सब्जेक्ट, के साथ डू, हे, से, इट, नाम के साथ डज लिखे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अगर वाक्य है तो नॉर्मल से इम्फैटिक बनाते समय आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट उसमें आते हैं तो उसके साथ क्या प्रयोग करेगा, हिज इट नाम के साथ क्या लिखेगा, डज। दूसरा नंबर नियम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ डिड ही लिखें। अगर वो वाक्य जो वाक्य नॉर्मल से इम्फैटिक बनाना है, अगर वह वाक्य आपको लगता है कि पास्ट इंडिफिनिट है तो कोई करता है उसके साथ क्या लगाएगा, डिड। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या रहेगा तो आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, डज। तीसरा नंबर बात ध्यान देने जो गया है कि डू, डज, डिड का प्रयोग होते ही भेवन लिखे, या जिस सेंटेंस में डू डज डिड लग जाएगा उसमें क्रिया का मेन रूप लिखा जाएगा, यानी भेवन रूप लिखा जाएगा। पांचवा नंबर चार नंबर नियम है इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो पहले ही डू लगाकर इम्फैटिक बनाया जाता है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस आ गया सूचक वाक्य है, गो देयर, गो आउट, कम हियर, ऐसे रहता है तो उन वाक्यों को इम्परेटिव इम्फैटिक बनाने के लिए पहले डू लगा दो, बस क्या हो जाएगा, बन जाता है। यदि सेंटेंस में
हैज हैव हैड लगा रहे तो डज हैव डू हैव डिड हैव लिख कर एम्फैटिक बनाते हैं। अगर हैज रहेगा तो इसके बदले क्या लिखेगा? डज हैव। हैव रहेगा तो क्या लिखेगा? हैड रहेगा तो। अब एग्जाम्पल देखने वाली बात है। एग्जाम्पल में जैसे है सेंटेंस में मेरे पास चार गाय है तो इसको बनाएगा आई हैव फोर काउस। बनाता है ये देखो, ये जो सेंटेंस है ये नॉर्मल है। क्या है? ये नॉर्मल सेंटेंस है। अगर इसको इम्फैटिक में बनाएगा, इस सेंटेंस को इम्फैटिक करता है, यहाँ पर इम्फैटिक करेगा तो इसको बनाएगा कैसे हिंदी में? मेरे पास चार गाय तो है। जोर दे दिया, जोर दे दिया, मेरे पास चार गाय तो है, जोर दे के कहा। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? आई हैव आएगा तो हैव के बदले क्या लिखने को बोला है? डू है। करा बात बच गया फोर काउस। ये नॉर्मल हो गया, इम्फैटिक हो गया, ये नियम है। लिखो नॉर्मल टू इम्फैटिक का नियम।